गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले वाला वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, और सेकंड क्वेश्चन में है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स, इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वाले जो हमारा YouTube पर चैनल जो वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किया हूँ उसमें इंट्रोडक्शन 8th क्लास में आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया है। फिर भी एक बार रिमाइंडर करा दे रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। ये रहा एडिटिव इनवर्स, ए अपॉन बी का माइनस ए अपॉन बी होता है। अगर माइनस ए अपॉन बी होगा तो प्लस का ए अपॉन बी होता है, इसका एडिटिव इनवर्स। राइट, समझ में आ गया कि पहला जो है इसका, क्योंकि a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब कि दो किसी संख्या के एडिटिव इनवर्स को दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। तो यहां पे हम एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला का जो है, फर्स्ट जो है 2 अपॉन 8 है, तो लिखोगे एडिटिव, आंसर लिख देना, आंसर में हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 8 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 8 होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 8, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 8 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 8, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड एक ये बताना जा रहा हूं, सेकंड का अगर सेकंड में क्या है, माइनस 5 अपॉन 9, तो इसका भी लिखोगे एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ माइनस 5 अपॉन 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही सबका, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 8, इसका कितना होगा 5 का 9, इसका कितना होगा 6 अपॉन 5, इसका कितना होगा 2 अपॉन 9, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और इसका क्या होगा माइनस 9 अपॉन 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का यही होता है। एक मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स भी होगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में, उसमें भी आपको सिर्फ उसमें साइन नहीं होता, बाकी ये रकम ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स अगर बात करते हैं 2 अपॉन 8 का, तो 8 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।